खलनायक के रूप में जरूर ये सुर्खियों में याद किए जाएंगे। के पाठक, के पाठक तो कोई नए पदाधिकारी नहीं है, वो तो शराबवाला में भी थे, कहाँ सुधार हो गया, माफियागिरी कहाँ रुक गया था। बालू में जब वो गए तो बालू में सबसे ज़्यादा लूट उनके रीजन में हुई। सरकार को तो बिल्कुल हम कहेंगे इनको चाहिए था कि बिहार से बाहर करें, इनको कोई भी विभाग इनको ना दें। भूमि सुधार मिल गया है तो या तो ये भूमि सुधार देंगे, नहीं तो खुद सुधर जाएंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में अपने बड़े बड़े फैसलों के कारण लगातार सुर्खियों में रहने वाले के पाठक को अपर मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाया गया है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली यादव मौजूद हैं। विधायक जी, किस रूप में देखते हैं के पाठक का तबादला किया गया है, इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में और क्या स्थिति रहेगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का? अब देखिए, तबादला कैसे हुआ, क्या कारण रहा, अब ये तो सरकार जाने, लेकिन बिहार की जनता काफ़ी तरस खा रही है माननीय नीतीश कुमार जी पर कि विधानसभा में तीन तीन बार आश्वासन के बावजूद भी उनका फैसला के पाठक नहीं माने। और अब हम समझते हैं कि उस समय भी मैंने मांग किया था कि के पाठक के रीजन में जो लूट मची है उसकी सरकार एक जांच कराए, जो मेज थारी लोटा गिलास जो खरीदा गया है, विद्यालयों में समितियां हैं, शिक्षा समिति है मिडिल स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति है, सारे को बाईपास करके और जो इस तरह के खरीद हुई है, मैं समझता हूँ कि भारी लूट मची है, एक इसकी जाँच होनी चाहिए, ये मामूली लूट नहीं होगा। और दूसरे जगह जहाँ वो गए हैं, बहुत सुर्खियों में रहे हैं, तो यहाँ तो एक खलनायक के रूप में लोग उनको जानेगा, शिक्षक छात्र गर्मी के दिन में किस तरह से लोग बेहोश होकर के गिर रहे थे, बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, लेकिन उनको कोई लेना देना के पाठक कोई से नहीं था। तो खलनायक के रूप में ज़रूर ये सुर्खियों में याद किए जाएंगे के पाठक। और अब गए हैं भूमि सुधार विभाग में, तो हम कह रहे हैं कि उसको सुधारने की तो आवश्यकता है। सीओ जो है एक एक दखल खारिज में 10,000 रुपया ले रहा है, आम चर्चा का विषय है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों का जो ऐच्छिक निधि है, विधायक कोटा है, जो एमपी कोटा है, जो एमएलसी कोटा है, इसके लिए एनओसी देने में भी, क्योंकि हम लोग तो जाते नहीं हैं, कोई कार्यकर्ता जाता है एनओसी के लिए, तो बाद में जानकारी हम लोगों को मिलती है कि भाई वो पैसा लेता है उसमें। विधायक जी, के पाठक के फैसलों से कई दफ़े शिक्षा विभाग की आलोचना हुई, यह भी सही है, लेकिन ये बात भी मानना होगा कि उनके फैसलों के कारण शिक्षा विभाग में सुधार भी हुआ है। देखिए, हम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, शिक्षा विभाग में सुधार का ये तरीका ठीक नहीं था, तब तो अब शिक्षा विभाग फिर बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग में जो चीज़ों की ज़रूरतें थी वो सरकार उस पर कोशिश कर रही थी, और उस सरकार के कोशिश के साथ ये सुधार हुआ। सुधार तो उसी समय में हुआ ना, जिस समय में महागठबंधन की सरकार बिहार में आई, उसके पहले के पाठक तो कोई नए पदाधिकारी नहीं है, वो तो शराबवाला में भी थे, कहाँ सुधार हो गया, माफियागिरी कहाँ रुक गया था। अगर के पाठक फैक्टर थे तो जिस विभाग में जाते उसी में सुधार हो जाता। तो हम लोग तो नहीं देखे कि शराब का तस्करी, शराब पी के मरने वालों की बढ़ती संख्या, बालू में जब वो गए तो बालू में सबसे ज़्यादा लूट उनके रीजन में हुई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो कोई के पाठक फैक्टर नहीं थे, फैक्टर थी सरकार और सरकार का संकल्प, और उसके बाद में ये जिस तरह से खलनायक के भूमिका में आ गए, इनको पचा नहीं, बिहार में जो बहाली हुई थी वो के पाठक को पचा नहीं इनकी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि के पाठक खलनायक हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी को किसी पद पर रहना चाहिए आपके अनुसार? हम तो उस समय ही कहा था शिक्षा विभाग से इनको हटाने के लिए, अब नए विभाग में गए हैं। शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग से, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ उस तरह का काम करेंगे। नहीं, नहीं, तो देखना है, देखना है, हो सकता है कि उनको ये पच नहीं रहा होगा, जो बिहार में बहाली हुई थी, 5 लाख से ऊपर नौकरी मिली थी,
जो बिहार में प्रस्तावित थी नौकरियां, हो सकता है के पाठक कोई पच नहीं रहा होगा, इसलिए शिक्षकों को तंग करना कि भाई कल से कोई मांग न उठाए कि भाई शिक्षक के बहाली निकालिए, बड़ी परेशानी है, बच्चों को तंग करना। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि ये पदाधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बात को डिसोवे कर देना, विधानसभा में इनकी घोषणा को ना मानना, ये सब खलनायक के रोल था इनका। और इसलिए अब सरकार को तो बिल्कुल हम कहेंगे इनको चाहिए था कि बिहार से बाहर करें, इनको कोई भी विभाग इनको ना दें। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने कैसे भरोसा किया या क्या दबाव है भाजपा का, ये भी हो सकता है। क्या एक विपक्ष के तौर पर आप यह मांग कर रहे हैं कि के पाठक को बिहार से बाहर भेज दिया जाए? नहीं, अभी हम मांग नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि बढ़िया जगह उनको मिल गया है, भूमि सुधार मिल गया है, तो या तो ये भूमि सुधार देंगे नहीं तो खुद सुधर जाएंगे। चूँकि भूमि का प्रश्न बिहार में सबसे बड़ा प्रश्न है और उसमें गरीब गुरबे केंद्र में हैं, बटेदार किसान केंद्र में है, गरीब गुरबे लोग ज़्यादातर आहर पैन पोखर के जमीन पर बसे हुए हैं, तो या तो उनको ये पर्चा दिलवाएंगे या तो उनको बेहतर जिंदगी के लिए अस्थायीकरण करेंगे, या अगर बुलडोजर राज के दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो या तो विभाग सुधर जाएगा न के पाठक को सुधार देंगे, इसलिए कि उसके प्रतिनिधि भाजपा माले हैं, तो सुधार दिया जाएगा। तो देखिए, के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो अपने फैसलों के कारण लगातार सुर्खियों में रहे, और अब बिहार की राजनीति में विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा माले के विधायक का साफ तौर पर यह कहना है कि के पाठक को नई जिम्मेदारी मिली है तो या तो वो भूमि को सुधार देंगे या खुद सुधर जाएंगे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि नई जिम्मेदारी में के पाठक का क्या रुख रहता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।